हम सभी ने अपने जीवन में कभी ना कभी रामायण तो देखी ही है या फिर उसका जिक्र सुना है। हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए रामायण और भगवान श्री राम हमेशा से पूजनीय और मार्गदर्शक रहे हैं। ऐसे में रामायण पढ़ना या टीवी पर उससे संबंधित कार्यक्रम देखना अपने आप में बेहद सुखद अनुभव देता है। हालांकि भारत में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो रामायण और उसके पात्रों को काल्पनिक मानते हैं। उन लोगों का मानना है कि भगवान श्री राम और सीता हरण की कथा बिल्कुल काल्पनिक है, क्योंकि इस तरह की घटना इतिहास में कभी घटित ही नहीं हुई। लेकिन आज हम आपको रामायण काल से जुड़े ऐसे साक्ष्यों या सबूतों के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जिनके बारे में जानकर नास्तिक व्यक्ति भी रामायण पर विश्वास करने लगेगा। रामायण महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ। रामायण पढ़ने या उसके सार को समझने से जीवन की मुश्किलों को हल करने की ताकत मिलती है। यही वजह है कि कई हिंदू भगवान श्री राम को अपना आदर्श मानते हैं। रामायण में भगवान श्री राम के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा, विवाह, वनवास, मां सीता का अपहरण और लंकापति रावण के वध की संपूर्ण जानकारी मिलती है। लेकिन बावजूद इसके कई लोग रामायण को सच नहीं बल्कि काल्पनिक कथा मानकर चलते हैं। ऐसे में पुरातत्व विदों समेत दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने रामायण के पीछे की सच्चाई जानने के लिए रिसर्च शुरू कर दी। इस रिसर्च के दौरान पुरातत्व विदों और वैज्ञानिकों की विभिन्न टीमों को ऐसे साक्ष्य और सबूत मिले जो ये साबित करते हैं कि रामायण काल्पनिक नहीं बल्कि सच में घटित हुई थी। इसी घटनाक्रम को महर्षि वाल्मीकि जी ने कथा के रूप में लिखा और उसका नाम रामायण रख दिया। पुरातत्व विदों को मिले रामायण से जुड़े सबूत। रामायण से जुड़े सबूतों की तलाश करने के लिए भारत के अयोध्या से लेकर श्रीलंका की अलग अलग जगहों पर रिसर्च शुरू की गई, जिसके तहत पुरातत्व विदों की टीम को 10 ऐसे सबूत मिले जो रामायण काल की सच्चाई बयां करते हैं। इन सबूतों में वानर सेना द्वारा बनाए गए राम सेतु से लेकर रावण का महल और पुष्पक विमान शामिल हैं। तो आइए जानते हैं उन सबूतों के बारे में। हाथी के साक्ष्य। रामायण के सुंदरकांड अध्याय में एक विचित्र घटना का उल्लेख मिलता है, जिसमें हनुमान जी ने लंका पहुंचने के बाद एक हाथी का वध किया था। दरअसल उस हाथी को लंका की रखवाली करने का काम सौंपा गया था, जो बेहद विशालकाय आकार और शरीर वाला था। ऐसे में जब हनुमान जी मां सीता को खोजते हुए लंका में प्रवेश करने लगे तो उनका मार्ग हाथी ने रोक दिया। हनुमान जी ने हाथी से कहा कि वो उन्हें अंदर जाने दे, लेकिन हाथी ने इससे साफ इनकार कर दिया और कहा कि अगर हनुमान जी को अंदर प्रवेश करना है तो उसे हराना होगा। इसके बाद हाथी और हनुमान जी के बीच एक भयंकर मुकाबला होता है, जिसमें हनुमान जी हाथी को हरा देते हैं और उनके हमले की वजह से हाथी की मौत हो जाती है। रामायण को लेकर शोध करने वाले पुरातत्व विदों की टीम को लंका के आसपास विशालकाय शरीर वाले हाथी के अवशेष मिले थे, जो करोड़ों साल पुराने थे। इस बात से साफ होता है कि रामायण काल के दौरान घटित हर एक घटना सत्य है और इसे कोई नहीं छुटला सकता। अशोक वाटिका। माता सीता का अपहरण करने के बाद जब रावण उन्हें अपने महल लंका ले गया तो माता सीता ने महल में रहने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद रावण ने पहले माता सीता को गुफा में कैद करके रखा और बाद में उन्हें अशोक वाटिका ले गया। अशोक वाटिका को आज हाकागाला गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, जहां हनुमान जी के पैरों के निशान देखने को भी मिलते हैं। अशोक वाटिका को आज एक मंदिर का रूप दिया जा चुका है, जहां माता सीता को रखे जाने के सबूत मिलते हैं। ये जगह आज श्रीलंका के मशहूर पर्यटन स्थलों में तब्दील हो चुकी है, लेकिन जब पुरातत्व विदों ने इस जगह पर जाँच की तो उन्हें सैकड़ों साल पुरानी कई चीजों के होने के सबूत मिले थे। लंका जलने के सबूत। ये तो हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी ने मां सीता की खोज के दौरान रावण की सोने से बनी लंका को आग लगा दिया था, लेकिन इस घटना के सबूत सैकड़ों साल बाद देखने को मिलते हैं। दरअसल रामायण की सच्चाई को पता करने के लिए जब वैज्ञानिकों और पुरातत्व विदों की टीम ने लंका की खोज शुरू की तो उन्हें लंका के जले होने के सबूत मिले। जब हनुमान जी ने सोने की लंका में आग लगाई तो सारा सोना पिघलकर मिट्टी में मिल गया। ऐसे में सालों साल तक जले हुए सोने से दबी मिट्टी का रंग काला पड़ गया, जबकि लंका के आसपास की मिट्टी बिल्कुल साफ और सामान्य रंग की थी। जब वैज्ञानिकों ने काली मिट्टी की जांच की तो उसमें मेटल होने के सबूत मिले थे। इतना ही नहीं, जांच में ये भी पता चलता है कि वो मिट्टी आज की नहीं बल्कि सैकड़ों साल पुरानी है। जिस जगह पर लंका होने के सबूत मिलते हैं वहाँ कई पर्यटक जाते हैं। इसके अलावा बहुत सी वैज्ञानिक टीम आज भी शोध कार्य कर रही है। द्रोणागिरी पर्वत।
लंकापति रावण को हराने के लिए जब युद्ध शुरू हुआ, मेघनाथ ने श्री राम और उनकी वानर सेना पर आक्रमण शुरू कर दिया। इस बात से नाराज होकर लक्ष्मण जी युद्ध भूमि में आ गए और मेघनाथ से युद्ध करने लगे। लेकिन मेघनाथ के पास विशेष शक्तियां थीं, जिनका प्रयोग करके मेघनाथ ने ऐसा तीर चलाया कि वो सीधा लक्ष्मण जी के सीने जा लगा, जिसकी वजह से लक्ष्मण जी बेहोश हो गए। स्थिति ये हो गई थी कि किसी भी पल लक्ष्मण जी के प्राण जा सकते थे, जिनकी रक्षा के लिए संजीवनी बूटी को लाना बेहद जरूरी था। ऐसे में हनुमान जी हिमालय के पर्वतों में जाकर द्रोणागिरी पर्वत को उठा लाए, जिसमें संजीवनी बूटी लगी हुई थी। दरअसल हनुमान जी को संजीवनी की पहचान नहीं थी, इसलिए उन्होंने पूरा का पूरा द्रोणागिरी पर्वत अपने एक हाथ में उठाया और लंका पहुंच गए। संजीवनी के इस्तेमाल से लक्ष्मण जी की जान बच गई और श्रीराम युद्ध में विजय भी हो गए। लेकिन लंका से वापस लौटते समय हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत को साथ लेकर नहीं आए। सैकड़ों साल से श्रीलंका की भूमि पर मौजूद द्रोणागिरी पर्वत पर जांच की गई तो पता चला कि उस पर्वत का संबंध हिमालय से है। लेकिन हिमालय से किसी पर्वत का अपने आप श्रीलंका पहुंच जाना तो संभव नहीं है, इसलिए इसे रामायण काल के दौरान संजीवनी का पहाड़ उठाने वाली घटना का सबूत मान लिया गया। इस पहाड़ के निचले हिस्से में आज भी उसे तोड़ने के निशान मिलते हैं, जो हनुमान जी द्वारा पहाड़ को उठाते वक्त पड़े थे। द्रोणागिरी पर्वत बहुत ही हरा भरा है, जो रामायण काल से जुड़े होने की अपनी अलग ही कहानी बयां करता है। हनुमान जी के पद चिन्ह। रामायण में इस बात का जिक्र मिलता है कि जब हनुमान जी सीता माता की तलाश करने के लिए भारत से लंका तक गए, तो उन्होंने हवा में एक जोरदार छलांग लगाई थी। इस छलांग की बदौलत ही हनुमान जी बेहद कम समय में विशालकाय समुद्र को पार करके भारत से श्रीलंका तक पहुंचने में कामयाब हो गए। लेकिन छलांग की वजह से जमीन पर उनके पैरों के निशान बन गए। दरअसल हनुमान जी ने जब लंका की भूमि पर पैर रखा तो उनके पैरों के नीचे विशालकाय चट्टाने आ गई। उन चट्टानों पर जब हनुमान जी के मजबूत और विशालकाय पैर पड़े तो उन पर पैरों के निशान बन गए। हनुमान जी के पैरों के निशान को आज भी श्रीलंका में देखा जा सकता है, जिन्हें देखने के लिए सालाना कई पर्यटक श्रीलंका पहुंचते हैं। पुरातत्वविदों और वैज्ञानिकों ने इन पद चिन्हों की जांच की है, जिससे ये पता चलता है कि पत्थरों पर पैरों के ये निशान करोड़ों साल पुराने हैं और एकदम असली हैं। इन पैरों के निशानों से पता चलता है कि हनुमान जी का शारीरिक आकार काफी बड़ा था, क्योंकि उनके पैरों के निशान सामान्य मनुष्य के पैरों से मेल नहीं खाते हैं। इससे ये साफ हो जाता है कि रामायण काल के दौरान हुए सीता अपहरण और उन्हें खोजने के लिए हनुमान जी की कोशिशें बिल्कुल सत्य हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मौजूद हनुमानगढ़ी मंदिर रामायण के सत्य होने का एक जीता जागता सबूत है। ये वही जगह है जहाँ हनुमान जी भगवान श्री राम के साथ वापस लौटने के बाद रुके थे। कहा जाता है कि लंकापति रावण का वध करने के बाद और मां सीता को वापस लाने के बाद हनुमान जी भगवान श्री राम के साथ अयोध्या आ गए थे, जहां वो हनुमानगढ़ी में रहने लगे। इसी जगह पर रहते हुए हनुमान जी पूरे अयोध्या और रामकोट की रक्षा करते थे, इसलिए यह जगह रामायण काल से जुड़ी हुई है। बाद में इस स्थान को मंदिर में तब्दील कर दिया गया, जहां हनुमान जी अपनी माता अंजनी की गोद में बैठे हुए हैं। माना जाता है कि जो भक्त भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाता है, वो हनुमानगढ़ी के दर्शन किए बिना वापस नहीं आता। जब पुरातत्वविदों ने इस मंदिर की जांच की और उसके पत्थरों पर अध्ययन किया तो पाया कि वो 10वीं सदी से भी ज्यादा पुराने हैं। इससे ये साफ हो जाता है कि रामायण में बताए गए युद्ध और उसके बाद हनुमान जी का अयोध्या में निवास करना सच्ची घटना है। कोबरा हुड केव। श्रीलंका में मौजूद कोबरा हुड केव भले ही आज सैकड़ों पर्यटकों के लिए मशहूर टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, लेकिन इस जगह के तार रामायण से जुड़े हुए हैं। विशालकाय पहाड़ के बीचों बीच बनी इस अनोखी गुफा में ही लंकापति रावण ने माता सीता को कैद करके रखा था, जहां तक पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल काम था। पुरातत्वविदों ने कोबरा हुड केव की जांच करके ये पता लगाया है कि ये गुफा पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से बनी हुई है, जिसमें मानव निर्माण से जुड़ा कोई सबूत नहीं मिलता है। इसके साथ ही कोबरा हुड केव की अद्भुत आकृति भी पुरातत्वविदों को चौंका देती है, क्योंकि एक गुफा को इस तरह की कलाकृति और आकार देना किसी इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। कोबरा हुड केव को अंदर से देखने पर पता चलता है कि ये वो जगह है जहां माता सीता को कैद किया गया था। गुफा का अंदरूनी हिस्सा खुला हुआ है, जहां से पेड़ पौधे और खुला आसमान साफ तौर पर देखा जा सकता है। वहीं गुफा का मुख्य द्वार बहुत ही भयानक नजर आता है, जिसे देखकर किसी को भी डर लग जाए।
रामायण काल के दौरान माता सीता के इस गुफा में रहने के कई अन्य सबूत भी मिलते हैं, जिनमें पत्थरों पर बनी माँ सीता की तस्वीरें और चित्र आदि शामिल हैं। ये एक अन्य सबूत है जो ये साबित करता है कि रामायण काल्पनिक नहीं बल्कि 100% सत्य घटना थी। पानी में तैरने वाले पत्थर। रामेश्वरम में मौजूद राम सेतु के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, जिसके आज कुछ ही अंश देखने को मिलते हैं। दरअसल जब माता सीता को वापस लाने के लिए भगवान श्री राम और उनकी वानर सेना लंका की तरफ बढ़ रही थी, तो बीच में उनका रास्ता समुद्र की विशालकाय लहरों ने रोक दिया। इसके बाद वानर सेना ने समुद्र को पार करने के लिए विशालकाय चट्टानों को तोड़ा और पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को पानी में डालना शुरू कर दिया, लेकिन पत्थर अपने भारी वजन की वजह से पानी में डूबने लगे, जिसके बाद वानर सेना ने हर पत्थर पर भगवान राम का नाम लिखना शुरू कर दिया। चमत्कारी रूप से भगवान श्री राम का नाम लिखे जाने के बाद पत्थर पानी के ऊपर तैरने लगे और इस तरह समुद्र के ऊपर एक पुल तैयार हो गया। इस पुल को राम सेतु नाम दिया गया, जिसे पार करके वानर सेना ने रावण की लंका में प्रवेश किया था। हालांकि सालों बाद सुनामी और बाढ़ की वजह से राम सेतु का ज्यादातर हिस्सा टूटकर अलग हो गया, जिसकी वजह से पुल के कुछ पत्थर समुद्र किनारे आ गए। जब पुरातत्वविदों ने उन पत्थरों की जांच की और उन्हें पानी में डुबोने की कोशिश की, तो चमत्कारी रूप से वो पत्थर पानी के ऊपर तैरने लगे। इतना ही नहीं, जब पुरातत्वविदों की टीम ने आसपास के दूसरे पत्थरों को पानी में डाला तो वो आसानी से पानी में डूब गए, जबकि राम सेतु के पत्थर पानी के ऊपर तैरने लगे। ये इस बात का सबूत है कि रामायण महर्षि वाल्मीकि जी की कल्पना नहीं बल्कि सत्य घटना है। राम सेतु को अंतरिक्ष से भी आसानी से देखा जा सकता है। वहीं वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि राम सेतु को बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए पत्थर बेहद प्राचीन और विशेष प्रकार के हैं। लक्ष्मण जी को सुंघाई गई जड़ी बूटी। जब माता सीता को वापस लाने के लिए श्री राम और उनकी वानर सेना लंका पहुंचे, तो वहां रावण और भगवान राम के बीच युद्ध शुरू हो गया। इसी युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी को एक बाण लगा और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। उन्हें ठीक करने के लिए संजीवनी बूटी की जरूरत थी, जो सिर्फ हिमालय की दुर्लभ पहाड़ियों पर ही मिलती थी। ऐसे में हनुमान जी ने बिना कोई देरी करते हुए उड़ान भरी और संजीवनी का पूरा पर्वत उठाकर लंका जा पहुंचे। फिर उसी जड़ी बूटी को सूंघकर लक्ष्मण जी को होश आया और वो स्वस्थ हो गए। सैकड़ों साल बाद जब रामायण से जुड़े सबूतों की तलाश शुरू की गई, तो पुरातत्वविदों को श्रीलंका की पहाड़ियों पर कई तरह की जड़ी बूटियां मिली। ये जड़ी बूटियां पूरे श्रीलंका में कहीं और नहीं पाई जाती हैं। वहीं इस तरह की जड़ी बूटी सिर्फ हिमालय के आसपास उगती हैं। ऐसे में श्रीलंका में विशेष प्रकार की जड़ी बूटी मिलना, जिसका उस देश से कोई संबंध नहीं है, वो रामायण काल के दौरान संजीवनी बूटी को लाए जाने की घटना को सही साबित करती है। लिपाक्षी मंदिर। वन में माता सीता का छल से अपहरण करने के बाद जब रावण उन्हें अपने पुष्पक विमान में बिठाकर ले जा रहा था, तो उन्हें रोकने के लिए जटायु पक्षी ने रावण पर हमला किया था, लेकिन रावण ने अपनी तलवार से जटायु के पंख काट दिए और उनका वध कर दिया, जिसके बाद जटायु हवा से सीधा जमीन पर आ गिरे। जिस जगह पर जटायु घायल होकर गिरे और अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे, उस जगह को आज लिपाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में मौजूद है, जिसे 70 खंभों पर खड़ा किया गया है, लेकिन उनमें से एक भी खंभा जमीन को टच नहीं करता है। हवा में झूलते हुए इस मंदिर को हैंगिंग टेंपल भी कहा जाता है, जिसे लेकर कई तरह के वैज्ञानिक शोध किए जा चुके हैं। शोध से पता चलता है कि चाहे कितनी ही तेज हवा क्यों न चले, लेकिन लिपाक्षी मंदिर के खंभे अपनी जगह से टस से मस भी नहीं होते हैं। इस चमत्कारी मंदिर के अस्तित्व में होने से ये बात साफ हो जाती है कि रामायण एक सत्य घटना है। तो दोस्तों, अब तो आप भी समझ ही गए होंगे कि क्यों रामायण की सत्यता को झुठलाना किसी भी पुरातत्वविदों या वैज्ञानिकों के लिए नामुमकिन है, क्योंकि समय समय पर ऐसे सबूत मिलते रहे हैं जो ये दर्शाते हैं कि रामायण काल के दौरान घटित हर घटना के सबूत आज भी धरती पर मौजूद हैं। अगर आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं और रामायण काल से जुड़े अन्य सबूतों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हमें पार्ट 2 लिखना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।